पुलवामा में शहीद हुए तिलकराज को उनके घर देवा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे देरा के समाज सेवी सुकृत सागर ने कहा कि मैं और ये समस्त सृष्टि शहीद तथा उनके परिवार का कर्ज उतारने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी परिवार को सांत्वना और शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर शहीद तिलकराज के परिवार को मिलने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ करे, क्योंकि कल को शहीद के बच्चों की परवरिश और अच्छी शिक्षा पर इससे ज्यादा खर्च होगा। उन्होंने कहा कि अगर एक बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो शुरू से अंत तक 50 से 60 लाख रुपया खर्च हो जाता है, तो इस लिहाज से प्रदेश सरकार द्वारा 20 लाख की सम्मान राशि काफी कम है और जब मध्य प्रदेश सरकार दे सकती है तो हिमाचल सरकार क्यों नहीं। सागर ने कहा कि जिस पिता के खून ने पूरे भारतवर्ष का माथा उज्जवल किया है, जो माँ अपने दूध से इस देश की लाज बचाई है, उन माता पिता को भी प्रदेश सरकार को कम से कम 10-10 लाख सम्मान राशि के रूप में अलग से देने चाहिए। सबसे पहले तो है नमन इस दहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। मैं हिमाचल गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने और दिल्ली सरकार ने अपने अपने शहीदों को 1-1 करोड़ रुपया देने का प्रावधान किया है, वो जैसे मध्य प्रदेश सरकार पुलवामा के शहीदों को 1 करोड़ रुपया दे रही है, मैं हिमाचल सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे शहीद तिलकराज जी के परिवार को भी जो सहायता अनुदान प्रदेश सरकार की तरफ से 20 लाख रुपया दिया जा रहा है उसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपया करना चाहिए। इसके अलावा शहीद के माता पिता दोनों को अलग अलग से कम 10-10 लाख रुपया अलग अलग से देने का प्रावधान करना चाहिए। वैसे तो ये पूरी सृष्टि जो है वो असमर्थ है इनका जो कर्ज उतारने के लिए, ये पूरी सृष्टि असमर्थ है, हम खुद असमर्थ है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसा सहायता हम कर सकते हैं शहीद परिवार की, जहां से इनका आगे का जो भविष्य है वो थोड़ा सुगम हो जाए, बच्चों का भविष्य जो है वो थोड़ा सा सुरक्षित हो जाए। तो इसी के लिए मैं प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूं कि जो इनकी सहायता अनुदान राशि है वो बढ़ा के 1 करोड़ रुपया की जाए। उनकी इस मांग का शहीद तिलकराज के बड़े भाई बलदेवराज ने भी समर्थन किया और उनकी इस मांग को भी दोहराया। सागर ने अपनी तरफ से शहीद परिवार को आर्थिक मदद दी। सागर के साथ गुलेर के उप प्रधान व अन्य लोग भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। एच टुडे के लिए धर्मशाला से निर्वजित निप्पी की रिपोर्ट।